क्रेजी स्टार्ट हुई है यार नाइट टू की। हमें पहले ही मैच में कैसन देखने मिल गया डेमियन प्रिस के टू, और अब पहले मैच की बात कर लेते हैं यार, ड्रू मैकएंटायर सेट रॉलिंस दोनों की एंट्रेंस कितनी मस्त थी। हमने सीएम पंक को भी देखा सेट रॉलिंस की एंट्रेंस के टाइम, वहाँ पे बैठाए दिखाए अनाउंसमेंट टेबल पे एंड कमेंट्री टेबल पे यार। एंड मैच स्टार्ट होती क्लेमोर पर गया एंड दूसरा भी पंद्रह रन पर सेट रॉलिंस नीचे निकल गया। एंड एक फ्यूचर शॉक डीडीटी मार रहे थे तब मारा सेट रॉलिंस ने पेडिग्री, और मैच में यार इतने सारे हमें पेडिग्री स्टॉर्म्स क्लेमोर लिटरली 4 क्लेमोर के बाद हमने देखा पिन होते हुए ड्रू मैकइंटायर ने जब पिन किया। एंड मैच में काफी बार उन्होंने सीएम पंक को देखा इतना ज्यादा प्रमोट कर रहे ये फ्यूट को पहले, यानी ये सबसे बात है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट पक्का रिन्यू होगा और मजा आने वाला है ड्रू मैकइंटायर एंड सीएम पंक में। बट भाई ये मैच मतलब लिटरली इतने स्टॉर्म्स इतनी पेडिग्री, बट एंड में जब फाइनली एक सुपर स्टॉर्म मारने जा रहे थे तब गेम थोड़ी चेंज हुई एंड ड्रू मैकइंटायर पावर में आके पूरा क्लेमोर दे दे के मैच जीत गए। और यार मैच खत्म होने के बाद जब हमने देखा कि वो सीएम पंक से बात कर रहे हैं एंड सीएम पंक ने जैसे ही उनको गिराया यार तभी समझ में आ गया था कि डेमियन प्रिस आने वाले। मैं लिटरली ट्विटर पे विल डेमियन प्रिस कम ऐसा लिखने वाला था एंड हमें डेमियन प्रिस आते हुए दिख गए, इसलिए मैं ट्वीट भी नहीं कर पाया। 1 सेकंड पहले करता तो काफ़ी लाइक्स मिल जाते एंड हमें नए चैंपियन वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन देखने मिल गए डेमियन प्रिस्ट। आप लोग को कैसे कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना गाइस। इसके बाद हमारे फिलाडेल्फिया स्ट्रीट फाइट थी यार, और लिटरली स्ट्रीट फाइट थी क्योंकि इतने सारे केंडो स्टिक्स यूज हुई है, टेबल्स निकली है एंड पहले तो हमें सरप्राइज मिला स्नूप डॉग आए थे कमेंट्री टेबल पे थे एंड बुली रे हमारे स्पेशल गेस्ट रेफरी थे इस मैच के लिए। एंड दोनों टीम की एंट्रेंस काफ़ी अच्छी थी। मैच शुरू होते ही टेबल निकल जाता है बट टेबल यूज नहीं होता है, एंड उसके बाद जो केंडो स्टिक की बारिश हुई है द प्राइड पे यानी स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड बॉबी लेसली पे, बट थोड़ा मार मार के हमारी बी फैब स्कारलेट की भी काफ़ी फाइट हुई है, ट्रैश कैन पर है, टेबल्स के ऊपर अटैक हुए हैं। तो यार काफ़ी स्टार्टिंग में तो जो केंडो स्टिक जितनी मारी है फाइनल टेस्टमेंट ने, उसके बाद सेम उन लोगों ने भी किया द प्राइड ने। मैच ओवरऑल काफ़ी बढ़िया थी एंड जो उनने सुसाइड डाइव मारा था मॉन्टेस फोर्ड ने वो क्या बढ़िया था, जो टर्न बकल के ऊपर से मारा था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था एंड काफ़ी मज़ेदार था। मॉन्टेस फोर्ड के जंप्स वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं। फिर फाइनली जब हार्ट लोग मारने जा रहे थे बॉबी लेसली, जब हमने देखा स्कारलेट कैंडो स्टिक लेके आ गई बट बी फैब ने उसको हैंडल कर लिया एंड बोली रे स्केरिंग क्रॉस की भी बीच में इंटरेक्शन हुई थी जिसका फायदा उठा के बॉबी लेसली ने मारा स्पीयर। एंड उसके बाद जो डडली बॉय इसका जंप होता था वो किया एंजेलो डॉकिंस ने एंड उसके बाद टेबल आया एंड एक टेबल तो अपने आप ही टूट गया था जब रखा था, तो इसलिए नया टेबल आया एंड उसके बाद फाइनली मॉन्टेस फोर्ड ने फ्रॉग स्प्लैश मारा एंड द ब्राइट ये मैच जीत जाती है। एंड फिर सब रिंग में ही थे, स्नूप डॉग भी आए थे एंड सबने सेलिब्रेट किया। आपको ये मैच कैसा लगा स्ट्रीट फाइट जरूर बताना गाइस। अब अगला मैच होता है एलए नाइट वर्सेज एजे स्टाइल्स एंड ये मैच एजे स्टाइल्स के लिए काफ़ी अच्छा था यार, बिकॉज एजे स्टाइल्स पहली ओवर है एंड यहाँ पे भी यह वाले चांस बहुत ज़्यादा चले हैं एंड अ मैच अगेंस्ट एजे स्टाइल्स वो लिटरली बहुत बड़ी बात है, एक बहुत अच्छा स्टार्ट मिलेगा कि अब अगला यार एजेस अगला एलए नाइट के लिए अब कोई टाइटल ही है मिड टाइटल। अब मैच की बात कर लेते हैं तो एंट्रेंस काफ़ी बढ़िया थी दोनों की, हमें चेंज ऑफ टीम देखने मिल गया एजेस का जैसे मैंने पहले भी बताया था। एंड मैच पहले शुरू कर दिया आरटीएम, मतलब पूरा वेट भी नहीं किया स्टेयर ऑफ भी नहीं किया एंड या पंच एंड सुपर रनिंग नी सब पे हमने देखने मिले, जो ऊपर चढ़ के उनने जम करके सुपर जर्मन सुप्लेक्स दिया था वो काफ़ी बढ़िया था यार, और उनके पैरों पे भी काफ़ी एम किया एजे स्टाइल्स ने जब कर्व क्रशर दिया, तब तो मुझे पहले लगा था यार पहले पैरों पे थोड़ा मारना था फिर कर्व क्रशर देना था, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर हमने देखा नीचे यार पूरा कंक्रीट को पूरा ओपन करके वहाँ पे पटका एलेनाइट करने वाले थे बट एजे स्टाइल्स ने उसको रिवर्स कर दिया। काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच थी एंड काफ़ी जैसे मैंने बोला एलेनाइट के लिए काफ़ी अच्छी विन थी एंड फर्स्ट रेसलमेनिया विन थी, रेसलमेनिया डेब्यू विन थी। आप लोग को ओवरऑल ये मैच कैसा लगा? फाइनली हमने जब वो वाला सेगमेंट हुआ जब 450 स्प्लैश दिया उसके बाद जब एले नाइट ने उसको ब्लॉक कर दिया एंड पैर ऊपर कर दिए थे उसके बाद सेगमेंट काफ़ी फास्ट हो गई थी, मैच काफ़ी फास्ट हो गई थी। फिर फाइनली हमने एंड में एजेस फेनोमिनल
फोरा मारने जा रहे थे तो उन्होंने रोप को पोस्ट कर दिया था एंड वो नीचे गिर गए। एंड फाइनली हमने BFT के साथ मैच एंड रोटो देखी एंड LA नाइट कम्स ऑन टॉप विद ऑल ऑफ अस सेइंग LA नाइट। या क्या जबरदस्त ट्रिपल थ्रेट मैच था यार। एंड आईएसओ स्पीड भी थे, वो प्राइम की बॉटल के अंदर आईएसओ स्पीड थे एंड उनको भी RKO पर, उनका भी RKO डेब्यू हो चुका है WWE के अंदर एंड WWE के अंदर अपीयरेंस भी मे बी हमें और भी देखने मिल सकते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने बॉक्सिंग मैच भी की थी, लेट्स सी क्या होएगा। मैच की बात कर लेते हैं यार, मैच शुरू होते ही लोगन पॉल तो नीचे चले गए बट KO एंड रैंडी ऑर्टन गए उनको मारने टेबल पे भी पटके जो स्लैम मारते रैंडी ऑर्टन वाले। बट उसके बाद यार हमने एक देखा जब वो पिन करने का तो दोनों को रियलाइज हुआ यार एक ही जन पिन कर सकता है। फिर बोलते हैं कि यार ठीक है अभी थोड़ा और मारते फिर करते हैं, बट रैंडी तो रैंडी है यार। रैंडी ने RKO मारने का ट्राई किया केविन ओवेंस को बट वो नहीं लगा एंड उस समय केविन ओवेंस का फेस दिखना चाहिए था यार। मतलब लिटरली ऐसा लग रहा था अरे यार ब्रो इतने तो मजे कर रहे हम 1 महीने से, तूने अब तू RKO मार रहा है मुझे। काफी बढ़िया सीन था बट यार कुछ भी बोलो लोगन पॉल की डांट देनी पड़ेगी। बंदे ने ऐसे ऐसे मूव मारे मतलब मैं लिटरली वेट कर रहा हूँ उसका फेस टर्न कब आएगा ताकि जो चेयर वो डिजर्व करता है वो मिले। अभी तो हील है तो बू ही करेंगे लोग एंड वो मिलना भी है यार एक तरीके का चेयर ही है बट वो एक यस वाला एक अलग ही होता है। बाकी वो बग शॉट लैरियट फिर जो उन्हें स्वेंटन बम करके फ्रॉग स्मैश मारा था स्टैंडिंग फ्रॉग स्मैश बहुत मजेदार था एंड अलग ही है यार लोगन पॉल कुछ भी बोलो काफी मजेदार मैच थी। फिर हमने जो एंड में पावर पावर बम देखा था जो रैंडी ऑर्टन ने RKO में शिफ्ट किया था यार वो बहुत ही कमाल का था एंड काफी बढ़िया बढ़िया सीन्स थे मैच के अंदर। मैच काफी इंटरेस्टिंग थी। विंटेज हमने पंट किक आने वाली थी जो नहीं हो पाई, होती तो बहुत मजा आता। ब्रास नकल्स हमने ये मैच में भी देखा। फिर डोर विंटेज DDT हमें देखने मिले दोनों को मारा था जो केविन ओवेंस एंड लोगन पॉल को रैंडी ऑर्टन ने। काफी बढ़िया मैच थी। और आईएसओ स्पीड को यार कमेंट्री टेबल पे RKO भी पड़ा और वो मोमेंट भी बहुत बढ़िया था जब वो कोरी ग्रेव्स ने बोला था लगता है डॉग मर गया है, वो काफी मस्त था। एंड बाग भी किया था रैंडी ऑर्टन ने भी बाद में RKO मारने के बाद किया था। काफी इंटरेस्टिंग मैच थी, फनी भी थी एंड लिटरली लोगन पॉल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। पहले ऐसा लग रहा था यार कि केविन ओवेंस जीतने वाले हैं जब सैमी जेन के साथ उनका हुआ था बट नहीं। एंड काफी इंटरेस्टिंग मैच थी। सबसे बढ़िया मोमेंट मैच का वही था जो RKO आईएसओ स्पीड को मारा था एंड जो लोगन पॉल ने मूव्स मारे बक्सॉट लैरियट स्वेंटन बम को फ्रॉग स्प्लैश में। बट फिर एंड में यार फाइनली हमने देखा RKO मारा केविन ओवेंस को, उसका फायदा उठा। लोगन पॉल ने बाहर फेंका रैंडी ऑर्टन को एंड इतना लंबा भाई हाइट इतनी लंबी थी वो फ्रॉग स्प्लैश की एंड उसी के साथ 1 2 3 करके लोगन पॉल ने रिटेन किया। आप लोगों को ये मैच कैसा लगा जरूर कमेंट्स में बताना गाइस। बेली डिड गाइस, बेली को टाइटल मिल चुका है, बेली वॉन द मैच। एंड बात करें मैच की तो यार दोनों की एंट्रेंस इतनी खतरनाक थी। बेली की एंट्रेंस इयो स्काई की एंट्रेंस इयो स्काई के साथ डैमेज कंट्रोल भी आई थी। मैच काफी बढ़िया शुरू होती है, दोनों एक दूसरे को मारते हैं यार, सुसाइड डाइव भी करती है बेली वो भी काफी मस्त था एंड बहुत सारे मूनसॉल्ट्स भी हमें देखने मिले ड्रिंक के बाहर ड्रिंक के अंदर। मैच काफी इंटरेस्टिंग थी, काफी अच्छे रिवर्सल्स वगैरह भी देखने मिले हैं। अभी ये वाला रिवर्सल तो यार बहुत ही बढ़िया था जिसमें एंड एंड में जब रोज प्लान दे रही थी बेली बट उसको शिफ्ट करके वो पूरे खड़े हो गए थे जैसे मतलब ऐसे समरसॉल्ट टाइप खड़े हो गए थे। समरसॉल्ट नहीं था पर अलग टाइप में जैसे खड़े हो गए थे वो रोज प्लान। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो काफी बढ़िया था। एंड मैच के स्टार्टिंग में हमने देखा है कि ये उसका ने काफी टारगेट भी किया नी पे बेली के एंड वो भी काफी बढ़िया सीन था जो अभी स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा। जब रिंग के बाहर जहाँ पे रिंग अनाउंसिंग वगैरह रहता है बेल रहती है उसके ऊपर से जब मार के जो बैरिकेड बार बार फोड़ते हैं वो लोग, वहाँ आप लोगों ने देखा होगा कि जब वो जंप कर रहे थे तो उसको शिफ्ट करके स्लैम बना दिया था बेली ने, वो भी काफी बढ़िया रिवर्सल था। एंड हमने वो भी बहुत मस्त है यार जब बेली जंप कर रही थी एंड क्रॉस बॉडी क्रॉस फेस दिया इयो स्काई ने
एंड उसके बाद फिर से क्रॉस फेस दिया, वो दोनों टाइम वाला जो रिवर्सल करके क्रॉस फेस दिया वो काफी मस्त था। फिर फाइनली हमें यार एंड में देखने मिला कि जब मून सॉल्ट को रिवर्स करके वो भागते हुए आ रहे थे मारने, तो क्लोज लाइन देके जंप मार के रोज प्लान देके बेली वॉन द चैंपियनशिप, न्यू वुमेन चैंपियन बेली। ये मैच आप लोग को कैसा लगा एंड व्हाट अ मोमेंट यार, क्राउड का पूरा सपोर्ट बेली के साथ था, काफी बढ़िया मैच थी। और अब बैकलैश पे मोस्ट प्रोबेबली हमें रीमैच देखने मिलेगा। आपको बाकी मैच कैसा लगा यार गाइस, कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू WWE, थैंक यू ट्रिपल एच फॉर दिस मेन इवेंट फॉर कोडी वर्सेस रोमन टू। व्हाट अ मेन इवेंट यार, आई वाज एक्सपेक्टिंग एवरीवन जो आया था, बट अंडरटेकर, स्टोन कोल्ड एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग, बट अंडरटेकर डूड, वो मतलब वो जैसी टंग हुआ वो पूरा चिल्स चिल्स हो गए पूरे, मतलब लिटरली ऐसा मेन इवेंट, मजा आ गया यार। 80 इंटरफेरेंस और हर बंदे के लिए कोई ना कोई रेडी था, और एंड में ओ माय गॉड, लिटरली स्टार्ट ऑफ अ न्यू एरा। इतने लोग स्टेज में कोडी के सेलिब्रेशन के टाइम थे वहां पे, मतलब लिटरली मजा आ गया। अब एंट्रेंस की बात करें तो मैच की बात करते हैं यार, एंट्रेंस कोडी की, व्हाट अ एंट्रेंस विद ब्रांडी थी एंड रोमन रेंज, रोमन रेंज तो यार रोमन रेंज है यार, उनकी भी एंट्रेंस बहुत ही जबरदस्त थी। एंट्रेंस दोनों की इतनी लाजवाब थी यार, मजा ही आ गया। मैच इतनी कूल थी, मैच शुरू होते ही कोडी रोज ने टेबल निकाल लिया ना, रोमन रेंज ने अंडर डाल दिया, उसके लिए रोमन रेंज को हील लेवल जो उनका है वो और 1000 इंटू करके लगा दो, क्योंकि टेबल निकाल के टेबल अंडर डालना यानी बिग बिग गेल इन WWE। बाकी मैच बहुत इंटरेस्टिंग थी, रोमन ने बहुत डोमिनेट किया, कोडी ने बहुत डोमिनेट किया, दोनों ने एक दूसरे को काफी मारा है, मतलब इतनी सारी चीजें हो गई कि यार याद करना भी टफ है कि क्या क्या हुआ है। इतने सारे बार इतने सुपरमैन पंचेस के ट्राई, क्रॉस रोड्स के ट्राई, एक मेरे को पावर बॉम्ब अच्छे से याद है जो बहुत, वो जब डिजास्टर किक पहली मार रहे थे, फिर ऑडियंस में जाके जो जो हुआ, जहाँ पे लोग बैठते हैं वहां पे जो टेबल पे पैरा सुप्लिक्स मारा था वो काफी खतरनाक लग रहा था, वो परी भी होगी। फिर रोमन ने यार ये भी बोला था कि ये मेरी कंपनी है भाई, मेरी कंपनी है, और क्रॉस रोड मारा था रोमन रेंज ने, और उसके बाद बोला था ये मूव इतना फिनिश इतना पावरफुल नहीं है यार, कोई पिन ही नहीं होता इसमें। उसके बाद यार हमने कोडी को भी देखा कि स्पीयर मारते हुए जेमी उसो आए, जे उसो आए, फिर टेबल पे स्पीयर दिया जे उसो ने वहां। यार मैं 1 मिनट मैच से हट के बोलना चाहूंगा, सोचो गलती से वो स्पीयर इधर उधर हो जाता तो बहुत ज्यादा लगती। अब बिग सल्यूट टू दिस रेसलर यार, कि हमारे चेहरे पे स्माइल आने के लिए वो लोग अपने लाइफ से खेलते हैं, क्योंकि लिटरली वो टेबल की पोजीशन सेट थी एंड वहाँ पे इसलिए वेट किया स्पीयर के लिए ताकि जिमी मार्ट पहुंच जाए, नहीं तो बहुत डेंजरस होता अगर वहाँ टेबल नहीं होता, डायरेक्ट नीचे गिरते, क्योंकि जब जम्प किया था तभी बहुत डेंजर, जैसे जे का पूरा सर नीचे के साइड था, बहुत डेंजर लग रहा था। बट यार फिर ये सीन हुआ और एक एक करके भाई बंदे आ गए, सोलो सिको आया, मतलब लिटरली 3 क्रॉस रोड पे सोलो सिको आ गए, एंड मेरे को लग रहा है जॉन सीना अगली सेकंड आ जाएगा, बट नहीं, काफी मारा एंड भाई सामान स्पाइक एंड स्पीयर को कोडी रोज ने तोड़ा। फिर आया हमारे जॉन सीना एंड मैं जो जंप किया भाई, मतलब जॉन सीना आते मेरे चेहरे पर एक अलग ही स्माइल आ जाती है, एंड यू कैन ब्लेम मी यार, ही इज जॉन सीना। फिर जॉन सीना ने एटीट्यूड एडजस्टमेंट मारा, अनाउंसर टेबल पे भी, कमेंट्री टेबल पे भी एटीट्यूड एडजस्टमेंट मारा, एंड फिर हमें रॉक देखने मिले, जॉन सीना रॉक आफ्टर अ डेकेड एंड मोर देन दैट, फेस टू फेस थे वो दोनों, एक रॉक बॉटम पर रहा उनको। एंड यार उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई, एंड मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि सेट रॉलिंस क्या कुक कर रहे हैं, क्योंकि वो रॉक बॉटम के बाद सेट रॉलिंस है, एंड आपने देखा होगा वो कपड़े, ठीक है, एक बार वो समझ में आता है वो सील्ड के म्यूजिक पे है, उनने कपड़े भी सील्ड वाले पहने थे, क्या कुक कर रहे हैं वो, बट कुछ कर नहीं पाए वो, क्योंकि वो रॉक ढूंढ रहे थे किधर है किधर है, बट रोमन ने आके सुपरमैन पंजे मार दिया एंड वो गिर गए। एंड उसके बाद जो हुआ टंग, वो अंडरटेकर की एंट्रेंस, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दैट, ये WWE ने बहुत बड़ा ट्विस्ट मारा, एंड फिर एक चोक स्लैम पर, और हमने फिर देखा रोमन आते हैं, रोमन ने चेयर मारी सेट रॉलिंस को, और उसके बाद यार गेम हुई चेंज एंड कोडी रोड्स
जीते हमारे 3 क्रॉस रोज मारे एंड पेंट किया एंड स्टोरी फिनिश्ड हो चुकी है गाइस। न्यू अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन हमारे कोडी रोज बन चुके हैं। एंड व्हाट अ विन, व्हाट इमोशंस यार, मतलब लिटरली हर कोई, सैमी जेन, एले नाइट, सी एम पंक, रैंडी ऑर्टन, जॉन सीना, केविन ओवेंस, मतलब लिटरली सब, हर कोई रिंग में था, हर कोई रिंग में। फिर ट्रिपल एच को भी उनने बुलाया, मतलब बहुत अमेजिंग अमेजिंग यार। अपने मदर को उनने बेल्ट हाथ में दी, वो बहुत अच्छा सीन था, मतलब लिटरली यार मजा आ गया। आई लिटरली आई विल से थैंक्स टू ट्रिपल एच एंड WWE फॉर गिविंग अस दिस। एंड हमारे चेहरे पे हमेशा ऐसी, मतलब आई थिंक ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम, वो खड़ा हुआ भाई, पूरा खड़ा हुआ, मतलब लिटरली बेली जीती। डेमियन प्रिस्ट का मनी डा बैंक कैसे हो गया, अब हमको कैश इन का वाला कभी अब देखने मिलेगा नहीं मनी डा बैंक तक। तो बहुत कुछ हुआ इस रेसलमेनिया में, बहुत अमेजिंग रेसलमेनिया था। आप लोग का इस मैच के लिए क्या है, कोडी रोज की स्टोरी फिनिश हो गया, आप लोग कितने खुश हो जरूर कमेंट्स में बताना गाइस। एंड ओवरऑल आपको रेसलमेनिया Night 1 Night 2 दोनों कैसा लगा जरूर बताना गाइस। लेट्स सी अब ये न्यू एरा में हमारे लिए WWE एंड ट्रिपल एच क्या लेके आते हैं, क्योंकि काफी मजा आने वाला है ये जरूर पक्का है मुझे।